Welcome you all to online classes of BBS International School. In this video, we are going to discuss enlivening a presentation. This will be the first part of this chapter and many more will come. Okay, so let's get started with this. Okay, so first of all, we should know what is enlivening. Microsoft provides various tools and features to enhance the appearance of presentation. जैसे और सब जानते हैं कि पावर पॉइंट बहुत सारे फीचर्स देता है जिसकी मदद से हम अपने प्रेजेंटेशन का अपीयरेंस क्या कर पाएँ, चेंज कर पाएँ। कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी देता है जिससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव हो, इफेक्टिव हो, इंगेजिंग हो और प्रोफेशनल भी लगे। जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं बेटर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑडियंस के ऊपर, एंड दैट व्हाट मैटर्स मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, राइट। So MS PowerPoint lets the user apply different animation effects styles to give movements to object. PowerPoint में आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स पे मूवमेंट अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपके इमेजेस हैं या जो भी आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हो स्लाइड के अंदर, उसमें आप मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। PowerPoint में एनिमेशन दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, पहला तो कस्टम एनिमेशन की मदद से, दूसरा स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से। कस्टम एनिमेशन आर यूज टू अप्लाई वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स टू एनिमेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड। कस्टम एनिमेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। वो इफेक्ट्स किसके ऊपर अप्लाई होंगे, जो आपके स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट। स्लाइड ट्रांजिशन ये अप्लाई होते हैं, ये स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो अप्लाइड होते हैं ट्रांजिशन के टाइम पे। करंट स्लाइड, जैसे आप इस एक स्लाइड पे हो, आप दूसरे स्लाइड पे जा रहे हो, तो जो दूसरी स्लाइड अपीयर होगी वो कैसे अपीयर होगी, राइट। ये भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट। एक स्लाइड के अंदर कौन सा पेज कैसा अपीयर हो रहा है, उसके लिए हम कस्टम एनिमेशन भी यूज़ करते हैं। एक स्लाइड जब हटती है और जो दूसरी स्लाइड आती है, तो उसके हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। MS PowerPoint अलाउ करता है यूज़र को कि इसमें हम लोग साउंड भी ऐड कर सकें अपने प्रेजेंटेशन में, और अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। साउंड हम लोग PowerPoint में ऐड कर सकते हैं स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से या साउंड ऑप्शन की मदद से। ट्रांजिशन साउंड्स आर प्लेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम करंट स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड, राइट। एक मीडिया क्लिप होती है, वो शॉर्ट सेगमेंट होती है मीडिया फाइल की, जो या तो ऑडियो क्लिप हो सकती है या तो वीडियो क्लिप हो सकती है। जो वीडियो क्लिप होती है वो मूवी क्लिप होगी, जिसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स होंगे, जिससे हमें जो प्रेजेंटेशन होगी हमारी वो लाइव लगेगी, जैसे क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, चल रहा है हमारे सामने। यहीं पर एक एक्शन बटन होती है जो रेडीमेड बटन होती है हाइपरलिंक को डिफाइन करने के लिए। PowerPoint में बहुत सारे एक्शंस बटन दे रखे हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मूवीज को प्ले कर सकते हैं या साउंड को। PowerPoint की बात करें, डेटा इंपोर्ट हो सकता है अदर एप्लीकेशन से। मान लो आपने एक्सेल में कोई डेटा लिखा है या वर्ड में कोई डेटा लिखा है, आप वो डेटा यूज़ कर सकते हो PowerPoint में, उसको वहाँ से क्या कर सकते हो, ड्रैग करके या इम्पोर्ट करके आप डायरेक्टली PowerPoint में उसको यूज़ कर सकते हो। ना अब हम लोग देख लेते हैं कैसे वो स्टेप्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे अगर हमें ट्रांजिशन या स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स पे। ओके ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इज हाउ वी गोइंग टू अप्लाई ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन होता क्या है ये देख लें। ट्रांजिशन आर मोशन इफेक्ट्स दैट व्हेन इन अ स्लाइड शो व्यू एड मूवमेंट टू योर स्लाइड्स एज यू एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, फेड, कवर, फ्लैश, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो क्या, या मोशंस हैं, इनको हम लोग कह लें मोशन इफेक्ट्स हैं, जो हम लोग स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जब लोग स्लाइड शो मूवमेंट ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं अलग अलग ट्रांजिशन हैं, ये तो इमेज है, वरना और भी ट्रांजिशन हैं उसमें, जो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। ओके, तो अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग सिंपली, तो आज ट्रांजिशन समझ में आया। ट्रांजिशन सिंपली क्या होते हैं, मोशन इफेक्ट्स होते हैं जो स्लाइड शो के टाइम पे आप देखते हो अपनी स्लाइड, जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पर मूव करती है तो कैसे दूसरी स्लाइड अपीयर हो रही है आपकी स्क्रीन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
ट्रांजिशन, ठीक है, ये स्लाइड्स के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कस्टम एनिमेशन होता है वो स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, अगर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे? कभी भी आपने अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी होगी तो उसके अंदर एक स्पेशल इफेक्ट्स होता है हर एक स्लाइड पे। एक स्लाइड जाती है और जो दूसरी स्लाइड अपीयर होकर आती है, उन दोनों में जो इफेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। ये जो ट्रांजिशन वो सिंपल हो सकता है जैसे फेड हो जाना टू द नेक्स्ट स्लाइड, और कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जैसे आई कैचिंग होती है, फ्लैशी हो जाएगा, फ्लैश होके आएगा आपकी स्क्रीन पे, या एक होगी धीरे 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 करके वो गायब हो जाएगा, या एक होकर जूम करके आएगा, या डिफरेंट डिफरेंट वेज में आएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब आप ट्रांजिशंस क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो ट्रांजिशंस की। जैसे यहाँ पे आपको देख लो, आप बता रहे थे ट्रांजिशंस की तीन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें आपके ऊपर जो है आप उसको चूज़ कर सकते हो। पहले सबटल होती है, सबटल में क्या आती है, नन, कट, फेड, पुश, ये सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे अंदर स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं, मतलब इनमें बहुत स्लोली ट्रांजिशंस होगा, राइट। एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। और तीसरा डायनेमिक कंटेंट, डायनेमिक कंटेंट में क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस होंगे जो कंटेंट को इफेक्ट करेंगे, जैसे टेक्स्ट या इमेज को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं, सबटल, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक कंटेंट। अब अगर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे? तो टू अप्लाई अ ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट अ स्लाइड दैट यू वॉन्ट टू मॉडिफाई। जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें मॉडिफाई करना होगा। देन आफ्टर सेलेक्टिंग स्लाइड यू हैव टू गो टू ट्रांजिशन टैब। कहाँ पे जाना होगा, ट्रांजिशन टैब में जाएंगे। जैसे ट्रांजिशन टैब में जाएंगे वहाँ पे लोकेट करेंगे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट की बात करें तो जो पहले से सेलेक्ट होता है वो कौन सा होता है, नन, मतलब कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं सेलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। फिर आप यही मोर पे क्लिक करेंगे, जैसे ये दिख रहा है ड्रॉप डाउन एरर दिख रही है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके ट्रांजिशंस वो सारी आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन जो भी आपको इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करना है यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑन। सेलेक्ट कैसे होगा, उस पे जाके क्लिक कर देना है, जैसे आप उस पे क्लिक कर दोगे वो ट्रांजिशन सेलेक्ट हो जाएगा, समझ में आया? ओके, जब भी आप ट्रांजिशन के साथ काम कर रहे हो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है अप्लाई टू ऑल कमांड टाइमिंग ग्रुप में, दैट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम टू प्रेजेंट योर यूनिफॉर्म। मतलब आप चाहते हो कि एक ही स्लाइड आप एक ही ट्रांजिशन आपकी सारी स्लाइड्स में ऐड हो जाए, तो वहाँ पे टाइमिंग ग्रुप में जाके अप्लाई टू ऑल कमांड होगा, उसी पे आप क्लिक कर दोगे तो सारी यूनिफॉर्म वो ट्रांजिशन सब जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर उन सब पे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, बात क्या है जो ध्यान रखनी होगी, ये सेम ट्रांजिशन एक स्लाइड पे अप्लाई तो करता है, बट ये अप्लाई करता है सेटिंग के टाइमिंग ग्रुप में जाके, जो आप क्या करते हो, यू नॉट वांट टू बी सेम थ्रू योर प्रेजेंटेशन। इससे क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें होंगी जो आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स में चेंज करना चाहते हो, जैसे वो कितनी देर कौन सी स्लाइड आपके सामने अपीयर हो रही है, तो उससे क्या होगा, अगर आपने सेम ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है तो हर एक स्लाइड पे, तो वो अप्लाई करते हैं कि सेटिंग इन टाइमिंग ग्रुप में विच वी यू मे नॉट वॉन्ट टू सेम थ्रॉट योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। यूजिंग दिस कमांड विद कॉशन, नॉट ओनली डज इट अप्लाई द सेम ट्रांजिशन टू एवरी स्लाइड बट इट ऑल्सो अप्लाई द सेटिंग्स इन टाइमिंग ग्रुप, ठीक है। ये सेटिंग को भी क्या कर देता है, सेम कर देता है, जैसे आपने जैसा उसका डिज़ाइन या थीम सेलेक्ट किया होगा ना, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो सारी डिज़ाइन सब जितनी भी स्लाइड्स की होंगी आपके सबकी स्लाइड में वो डिज़ाइन ऐड हो जाएंगी या वो थीम ऐड हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको एक ट्रांजिशन को देखना है कि पहले आपने ट्रांजिशन मान लो सेट कर दिया, आपकी स्लाइड्स बना ली, आपने स्लाइड्स की ट्रांजिशन को सेट कर लिया, अब आपको उसको देखना है, प्रीव्यू करना है, तो वो कैसे होगा, तो प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शंस देख लो। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके। इसको हम लोग अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू।